नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पर रोज़ डेली जो ये न्यूज़ में जो बातें आ रही हैं, खबरें जो आ रही हैं बेटियों के लिए, बहुत विचलित करती हैं ये खबरें। दो तीन दिन पहले अभी मैंने कुछ दिनों से अभी वो श्रद्धा का आ रहा था, वो न्यूज़ सच में बहुत बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट किया मेरे माइंड को। सभी कोई मतलब क्या है ये, मतलब बेटियों का, हम औरतों का या मतलब फीमेल का कोई अस्तित्व नहीं है। जब मन चाहा उनको मार दिया। तुम अगर प्रेम करते हो, प्यार करते हो, लिव इन में रहते हो, उसका इस्तेमाल करो, फिर उसको मार दो। मतलब कोई दिल में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है इंसान। ये क्या है, क्या औरतों में, बेटियों में, किसी में क्या उनमें जान नहीं है या उनको दर्द नहीं होता है? तो ये चीज़ें अभी दो तीन दिन पहले, शायद कल परसों ही मैंने एक और न्यूज़ सुना है, उसमें भी ये लिखा है कि एक लड़के ने मतलब अपनी प्रेमिका का गला काट दिया। क्यों करते हैं ऐसा? अगर तुम्हें इतना मतलब सहने की, उनको रखने की अगर तुम्हें हिम्मत नहीं है तो दूर रहो। क्यों तुम उनको एंड में मार देते हो? अगर तुमसे नहीं बनता है तो उनको मार देते हो, क्यों ऐसा क्यों करते हो? तो गलती उनकी नहीं है, गलती तो हम यही मानेंगे कि हम बेटियों की ही है, लड़कियों की ही है। अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो मत करो ऐसा, क्यों किसी के चक्कर में पड़ना है, मत करो। इन चीज़ों को देखकर सीखो, सीखो कुछ, क्योंकि समाज फिर बाद में यही बोलता है कि लड़की की गलती थी। हाँ, माँ बाप पे क्या गुजरती होगी जिसकी बेटी श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे, उस इंसान को इतनी सी भी रत्ती भर भी रियलाइज़ नहीं हुआ। वो ये बोल रहा था कि मैं 36 करता। हाँ, क्या बात है ये। एक ने बोला कि वो तो कर दिया होगा, कोई बात नहीं, क्या मतलब कोई अस्तित्व नहीं है इंसानियत का। तो इस चीज़ को देख के इन फ्यूचर अपनी बेटियों के लिए भी हमें खतरा लगता है। आज ये एक के साथ हो रहा है, कल हमारे साथ भी होगा, हमारी बेटियों के साथ भी होगा। तो इससे अच्छा यही है कि हम लोगों को अपनी बेटियों को कुछ ऐसी ट्रेनिंग कि हाँ वो अपना सपोर्ट, अपना मतलब अपने आप को बचाए। तो ऐसा मैं यही सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को कुछ ऐसी ट्रेनिंग ज़रूर कराएं जिससे कि कोई ऐसी मुसीबत आए तो वो अपना बचाव कर सके। रास्ते में अगर लड़कियाँ चल रही हैं, जा रही हैं, कुछ भी पहन लें, सूट पहन लें, साड़ी पहन लें लेडीज़, या जीन्स पहन लें। लड़के ऐसे घूमते हैं कुछ कुछ तो बहुत से रिस्पेक्ट भी करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पर कुछ ऐसे बदतमीज़ होते हैं ना कि वो मतलब पूरी स्कैनिंग कर लेते हैं। सूट भी पहन रही है तो उसमें भी स्कैनिंग कर लेंगे, क्यों है क्या ये, मतलब कुछ अलग है क्या उस चीज़ में, उस लड़की में, उस बेटी में, उस बहन में कुछ अलग है? तुम्हारी बहन बेटी नहीं है। तो इस चीज़ का बहुत मतलब ध्यान, मैं यही बोलूँगी कि अगर कुछ ऐसा गलत लग रहा है किसी भी बेटी को, उसको तो कुछ ये लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत होगा, तो छिपाए ना अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को ज़रूर बताएं, छिपाए ना। ये सोचते हैं ना बहुत सी कि क्या बोलेंगे, बेकार क्यों, को हो जाएगा सही, नहीं यार, वो चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने ऊपर इतना जुर्म ना सहें, इतनी नौबत ना आने दें कि हाँ अंत में जाके उस चीज़ का जो परिणाम है वो इतना दुष्कर हो जाए कि बेटी को अपनी जान ही गंवानी पड़े। इतना ना सहें। ये न्यूज़ में रोज़ डेली ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं, कहीं पे लड़का तो कहीं नहीं मर रहा है, हर जगह लड़की मरती है। मारता कौन है? लड़का। क्यों भाई, तुम्हें अगर मारनी ही है तो तुम ऐसी हरकत ही क्यों करते हो? तुम दिखाते तो ऐसे हो कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं, हम मर जाएंगे, लास्ट में तुम लड़की को ही मार देते हो। भगवान जिसने उस लड़की के 35 टुकड़े किए हैं, उसके
140 टुकड़े होने, 4 गुना टुकड़े होने करें तभी। और ऐसी मौत ना कि फांसी की, ये तो बहुत आसान मौत है, उसको ऐसी सजा देनी चाहिए तड़पा तड़पा के कि बाकी के 4 बंदों को, 4 लड़कों को या आगे के 4, उनको जो भी करना की सोच रहे हैं उनको भी आँख हो जाए, वो भी करने से पहले डरें। तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ गवर्नमेंट और जो भी हमारी पुलिस वगैरह जो भी मतलब इस केस को जो भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ 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 कड़ी से कड़ी सजा, और तड़पा तड़पा कर मारें उसको, तड़पा तड़पा कर मारें, जिससे कि आगे करने वाला कोई वो 10 बार सोचे। हमारे देश में यही तो होता है, गुनाह कर देते हैं गुनाह करने वाले, हमारे देश में क्या उसको सज़ा इतने दिन बाद मिलती है, इतने दिन बाद मिलती है कि सब कुछ भूल जाते हैं उस चीज़ को, जो कितने कितने सालों बाद भूल जाते हैं, कितने सालों बाद उसको फिर सज़ा मिलती है। या तभी टाइम टू टाइम उसको सज़ा दो ना, तभी देनी चाहिए सज़ा उसको, जिससे कि उसके माँ बाप को भी शांति मिले। निर्भया हत्याकांड का कितना बुरा, कितने सालों बाद उसको, उसके जो आरोपी जो थे उसको कितने सालों का सजा हुई थी, क्या फ़ायदा हुआ? अगर टाइम टू टाइम तभी सज़ा मिले, तभी उनको मतलब उस चीज़ का परिणाम वो मिले, तभी तो वो आगे करने वाले सोचेंगे 10 बार, ये चीज़ तभी रुक सकती है, नहीं तो कभी नहीं रुकेगी, कभी भी नहीं रुकेगी। बेटियों से ही संसार है, मैंने पहले भी ये चीज़ बोली थी एक वीडियो में, मैंने जो बोला था कि बेटियों से ही संसार है, तो इसके लिए चंद लाइन मैं बेटियों के लिए बोलना चाहूँगी, चंद लाइन बेटियों के लिए, बेटियों का महत्व। हमने कब कहा बेटों का तिरस्कार करो, हमने कब कहा बेटों का तिरस्कार करो, पर हम बेटियों का क्या है महत्व, समाज की उन्नति में यह भी तो समझो, बेटी है तो प्रगति है, बेटी है तो बची हुई हमारी संस्कृति है, सच्ची बात है, जीवन ज्योति है बेटियों से, हम बेटियों से ही जुड़ी हर घर की शांति है। साथ ही समझो एक बेटी की शिक्षा का महत्व, शिक्षित होगी बेटी तभी तो देश तरक्की करेगा, बेटी के शिक्षित होने पर ही मेरा देश सफलता के नए आयाम गढ़ेगा, अनमोल हैं बेटियां समझो इनकी अहमियत, अनमोल हैं बेटियां समझो इनकी अहमियत, यह सिर्फ सृजन मात्र नहीं है, यह संपूर्ण सृष्टि की अस्मरणीय जरूरत, शिक्षित करो इनको, अस्तित्व इनका संभाल कर रखो, जैसे प्रेम करते हो एक बेटे से वैसे ही प्रेम एक बेटी से करो। बिल्कुल सही है, जैसे बेटे को इज्जत मिलती है, लड़के को इज्जत मिलती है, वैसे एक लड़की को भी मिलनी चाहिए ना, तो इतना अत्याचार बेटी पे लड़की पे मत करो। आजकल पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करता है, पति भी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है, पर ये जो शादी से पहले लिव इन वगैरह में जो ये चक्कर जो चल रहा है ना, ड्रामेबाजी, ये बहुत ख़तरनाक है, और इसका जो परिणाम है ना वो आप न्यूज़ में ही देख रहे होंगे, बहुत गलत निकलता है। तो मैं यही बोलूँगी, अगर बेटी गलत रास्ते पर चल रही है या वो अंदेशा हो जाता है घर वालों को, पेरेंट्स को, अपने कलीग्स को हो जाता है, तो हमें उसको मतलब चुप दबा के नहीं बैठना है, हमें उसको समझाना है, प्यार से समझाओ, वो समझेगी, समझेगी वो, उसको एग्जांपल दे के बोलो, बताओ, समझाओ कि बेटा ये गलत है, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी, नई नई चीज़ें सीखो, आजकल तो इतनी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं सीखने के लिए, बट समझाओ, चुप नहीं बैठो, क्योंकि अंत बहुत बुरा होता है उस चीज़ का, बेटी को बहुत सहना पड़ता है। फिर ये बहुत केसेस आ रहे हैं कि अगर न्यूज़ पे और उस पे न्यूज़पेपर में देखेंगे हम, तो महीने में जनक कितनों हजारों केसेस होते हैं देश में लड़की के लिए जो होते हैं। एक मैंने देखा था, डॉक्टर डॉक्टरी कर रही थी वो बेटी,
वो बहन हमारी, और रात को उसकी स्कूटी ख़राब हो गई थी, तो ट्रक वाले ने उसको लेके गए उसकी स्कूटी सही कराने के लिए, और उसको साइड में ले जाके उसको जला के तड़पा तड़पा के मारा। दर्द नहीं होता है उसको, बेटी को कोई दर्द नहीं होता है। तो ये चीज़ बहुत बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है, बहुत उस चीज़ से बहुत ज़्यादा एक मतलब बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। तो मैं यही बोलूँगी कि बेटियों का और औरत के अंदर भी दिल होता है, उनमें भी जान होती है, तो उनके साथ ऐसा ना करो प्लीज़। अपनी बेटियों को, अपनी बहन को, अपनी सहेली को, अपनी फ्रेंड को बचाओ, जागो, सब जागो प्लीज़, ऐसे ना करो। बस इतना ही कहना चाहूँगी। मेरे मन में बहुत दिनों से था ये सब कुछ बोलने के लिए, क्योंकि मन में बहुत दुख था, बहुत दर्द था, मैंने आज सबके साथ शेयर किया।